Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। गाइस आज के इस वाले वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ नारुतो शिप्पुडेन निंजा इंपैक्ट। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर नामकरण करने का समय आ चुका है और मैं यहाँ पर अपना नाम चाहता हूँ कि रखने जापनी है, पर यहाँ पर मैं जो चाहता हूँ वो लेटर यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आई थिंक कि मुझे यहाँ पर इंग्लिश लेटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम खत्म कर लिया, तो अब मुझे जाना होगा गेम के अंदर और देखना होगा कि मुझे यहाँ पर कौन कौन से मिशन मिलेंगे जो कि मैं कम्प्लीट कर सकता हूँ। और आई होप कि मुझे यहाँ पर वही थ्रिल मिलेगा जो कि मुझे मिला था नारुतो के एनिमे देखते हुए। और थ्रिल बैटल वाज स्पाउट। तो गाइस यहाँ पर मेरा भाई भी है मेरे साथ वॉइस ओवर में, तो आई होप कि आपको भी यहाँ पर इसके भाई का एंटरटेनिंग लगेगा। तो हेलो गाइस, तो ये है एस्ट्रो गेमर जिसे आपने देखा होगा या फिर देखा होगा रोबक्स के पार्कर वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप उस एपिसोड को चेकआउट उस वीडियो का चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा है हमको नारुतो एंड सास्के का बैटल जो कि हुआ था आई गेस एक वैली में होता है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ। अगर आपको उस वैली का नाम पता है मुझे आपको मैसेज में जरूर बता देना। तो यहाँ पर आपको मेरा भाई का आवाज़ भी आते रहेगा बीच बीच में जिसका नाम है एस्ट्रो गेमर। तो ये आपको यहाँ पर हेलो कह रहा है, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना हेलो। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है हमारा जर्नी, वो भी हमारे गुरु जिराया के साथ। तो लेट्स सी कि हम अब कितने सालों बाद आते हैं। आई गेस कि हम ओके, तो यहाँ पर हम अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आए हैं आई गेस लीव विलेज में, तो जो कि हमने किया था जिराया सेंसेई के साथ। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये गेम की वीडियो देखने में कैसा लगता है और आप भी इस गेम को खेल सकते हैं कि नहीं और आपने इस गेम को खेला है कि नहीं, आप मुझे कम से कम ज़रूर बता देना। तो लेट्स गो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ लिफ्ट विलेज में और लेट्स सी कि मैं यहाँ पर सबसे पहले किसे मिलता हूँ। आई होप कि मैं यहाँ पर हमारे थ्रैश को ना मिलूँ, क्योंकि अगर उसे सबसे पहले यहाँ पर विलेज में देख लिया तो हमारा पूरा सीज़न या फिर पूरा वीडियो चौपर में जाएगा। तो लेट्स सी कि हम सबसे पहले यहाँ पर विलेज में किससे मिलते हैं। मैं यहाँ पर स्किप नहीं करने वाला हूँ थोड़ी देर तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट छोड़ दूँ, पर यहाँ पर मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि अब आएगा सिर्फ कॉन्वर्सेशन जो कि मुझे नहीं पढ़ना है। और ये लोग बहुत बात करते हैं, एनिमे में बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है, पर गेम में बातें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगता है मेरे को। आपको गेम में कॉन्वर्सेशन कितना अच्छा लगता है आप लोगों को मुझे जरूर बता देना। तो लेट्स गो, मैं यहाँ पर आज का अल्टीमेट ग्रो में और मैं कह सकते हैं इसे मैप, तो यहाँ पर मैं मैप में पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल चुका है मैप का, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो क्या ये मैं पहली बार खेल रहा हूँ इस गेम को, तो अब मुझे गाइड करना कि मुझे यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से मिशन कंप्लीट करना चाहिए, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, वो मैं ज़रूर ही करूँगा। और लेट्स गो, आई गेस यहाँ पर कुनाई है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बैटल श्योर ही होगा क्योंकि कुनाई रिप्रेजेंट करता है बैटल टूल को। तो लेट्स सी कि यहाँ पर बैटल ही होगा आई गेस। और लेट्स गो, और टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर अपना स्ट्रेंथ दिखाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्वर्सेशन आएगा, तो मैं इसे यहाँ पर करने वाला हूँ स्किप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर और देरी करूँ बैटल में और अपना स्ट्रेंथ दिखाने में थोड़ी भी देर करूँ। तो मैं यहाँ पर अपने करने वाला हूँ यहाँ पर कॉन्वर्सेशन को स्किप। Begin the mission, Naruto Uzumaki on the action. तो let's go, mission start हो चुका है और I guess कि ये मुझे अब बताएंगे कि यहाँ पर control कैसे use करना है। तो यहाँ पर मुझे guide करेंगे जिराया सेंसेई, जिन्होंने guide किया है Naruto Uzumaki को, वो भी 3 सालों तक, I guess 3 सालों तक, yes 3 सालों तक Naruto Uzumaki को guide किया है। तो अब ये हमें गाइड करेंगे वो भी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर एक्स होता है जंप, जो कि मुझे ऑब्वियसली पता है यहाँ पर सभी गेम में एक्स जंप होता है, और डबल स्टेज जंप करने के लिए मुझे 2 बार एक्स दबाना पड़ता है, और निंजा डैश के लिए मुझे दबाना पड़ता है 2 बार एक्स को, वो भी बहुत ही जल्दी से। तो लेट्स सी कि मैं इन सभी ट्रोल्स को मास्टर कर पाता हूँ कि नहीं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर मैं अब कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बो बैटल कॉम्बो कहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। आई गेस कि यहाँ पर स्क्वायर और ट्रायंगल बटन ही वो होगा यहाँ पर फाइट करने के लिए। तो लेट्स सी कि यहाँ पर इस गेम का मैकेनिज्म क्या कहता है मुझे और जिराया सेंसेई मुझे क्या कहते हैं। तो इसको मुझे यहाँ पर मिल चुका है 30 MP, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ओके, ग्रीन लाइट मेरे हेल्थ को और ब्लू लाइट रिप्रेजेंट करता है चाक्रा लेवल को, तो मुझे इन दोनों को ही मेंटेन करके रखना है ताकि मैं यहाँ पर ना मरूँ। ओके, तो यहाँ से ओके ट्रायंगल बटन से होता है ओके, मैं अपना चाक्रा बढ़ा सकता हूँ और ओ बटन से यहाँ पर मैं फाइट करने वाला हूँ। ये बटन तो बहुत आसान है, मास्टर कर दे।
तो गाइस मेरे भाई को बहुत ही आसान लग रहा है ये बटन को मास्टर करने के लिए, पर मेरे को बहुत ही हार्ड लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर इस सभी बटन को रिमेम्बर ही करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैटल के समय कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है, तो कॉम्बो निंजुत्सु यूज़ करना पड़ता है, तो मुझे यहाँ पर सभी की को मास्टर करना पड़ेगा। आपने सभी की को मास्टर किया है कि नहीं, आपने तो कम से कम जरूर बता देना। तो लेट्स गो गाइस, हमने रसायन सीख लिया है। तो लेट्स गो गाइस, हमने रसायन सीख लिया और मेरा भाई भी मेरे साथ है, तो ये भी देख रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे खेल रहा हूँ और ये भी बीच बीच में खेलेगा। तो लेट्स गो, यहाँ पर हमने मिड ईयर रसायन यूज किया है जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है। तो लेट्स गो, मैं यहाँ पर ओके चाकरा डैश यूज कर लिया। ओके तो यहाँ पर लेट्स सी कि मैं यहाँ पर और कितने टेंगे। ओके तो यहाँ पर मेरा चाकरा खत्म हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर अपने चाकरा को बढ़ाना होगा। तो लेट्स सी, ओके तो मैंने यहाँ पर आई गेस अल्टीमेट जुत्सु यूज़ किया जो कि क्या करता है। ओके तो यह मास्टर द एक्शन, तो मैंने यहाँ पर एक्शन को मास्टर कर दिया है। और यहाँ पर आर बटन जो होता है डिफेंस और ब्लॉक, जो कि मेरा बहुत ही हेल्प करेगा यहाँ पर दूसरे एनिमी से बचाने के लिए। तो लेट्स गो, यहाँ पर आ चुका है आर बटन से डिफेंस करने का, तो मैंने वो तो कर लिया। और आर बटन और जंप बटन से ओके तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मेरा भाई यहाँ पर कुछ कहना चाहता है गाइस, ये यहाँ का सब कॉम्बो बहुत पावरफुल है। ओके भाई, यहाँ पर पावरफुल तो सब कॉम्बो है, पर यहाँ पर आ चुके हैं टीम। ओके तो ये लीव विलेज के हैं, तो मुझे अपना स्ट्रेंथ दिखाना है, तो मुझे इनके साथ बैटल करना होगा। लेट्स सी कि मैं इन सब को हरा सकता हूँ कि नहीं। बहुत कमजोर है, हम इस लीव से आसानी से जीत जाएंगे। तुमने बहुत बढ़िया कहा और बहुत सही बात कहा मेरे भाई, हम लोग इन बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं इन सब को, क्योंकि ये लोग बहुत ही कमजोर हैं हमारे मुकाबले में, क्योंकि हमें नाटो उजोमा की जिसके अंदर है 9 टेल फॉक्स, जिसे हम प्यार से कहते हैं कुरोमा, और मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है रसेंगन, वो भी एयर से। और यहाँ पर मेरा चाकरा लेवल कम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अपने चाकरा लेवल को बढ़ाने वाला हूँ। तो लेट्स गो, यहाँ पर शुरिकेन से मैं इसे खत्म करने वाला हूँ, और ये खत्म हो चुका है। और ये शुरिकेन भी बहुत ही अच्छा है। आई होप कि आपके गेम प्ले वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है गाइस। अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को कर देना एक लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो लेट्स कंटिन्यू द मिशन। और यहाँ पर और लिप विलेज के आ चुके हैं, यहाँ पर जोनिन, आई थिंक जोनिन ही होंगे ये सब। अब मुझे इन सभी का हराना होगा, मुझे पर बना है कि ये कौन से लेवल के हैं। अगर यहाँ पर काकाशी सेंसर भी आ जाए तो मैं उन्हें हरा दूंगा अपना रसिंगन और अपने शैडो क्लोन जुत्सु के मदद से। तो आप सभी को पता होगा कि नारुतो का शैडो क्लोन जुत्सु कितना पावरफुल है, और उसका रसिंगन तो भाई, उसके रसिंगन की तारीफ करते करते मैं नहीं था सकता। आप लोग को पता होगा कि उसका रसिंगन कितना पावरफुल है और उसने कितने सारे रसिंगन को मास्टर किया है और नया नया रसिंगन बनाया है, नए तरीके के रसिंगन नारुतो ने बनाए हैं। आप सबने उस सभी को तो देखा ही होगा एनिमे में, नारुतो सिपुडियन में। तो अगर आपने अभी तक नारुतो नहीं देख रहा है तो गाइस आप लोग बहुत ही बढ़िया वाला एनिमे मिस कर रहे हैं। मैंने भी अभी अभी देखा था। ओके, एक साल हो गया मेरे को वो नारुतो देखे हुए और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और भाई साहब, उसका बैटल सीन तो भाई बहुत ही खतरनाक है। आपको उसका बैटल सीन और फोर ग्रेट निंजा वार कैसा लगा, स्पेशली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो लेट्स गो, यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया एयर रसिंगन जो कि एज यूजुअल बहुत ही पावरफुल है। और आप लोग ने इस गेम को खेला है कि नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, मेरे को बताना कि मुझे यहाँ पर अपने मिशन को कैसे कैसे कम्प्लीट करना चाहिए और क्या क्या मिशन को कम्प्लीट करना चाहिए मुझे पहले। तो लेट्स गो, मैंने यहाँ पर बहुत जाइंट रसिंगन यूज़ किया, तो लेट्स सी कि अब यहाँ पर कौन आता है एज अ मेन विलन और मेन बॉस, तो मैं उसे भी बहुत आसानी से हरा लूँगा। तो और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि अगर मेरे को यहाँ पर दो कैरेक्टर मिले तो मैं यहाँ पर अपने कैरेक्टर कैसे स्विच कर सकता हूँ। अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो लेट्स सी कि ये कब तक ख़त्म होगा। तो गाइस फाइनली हमने उस तरीके ख़त्म कर दिया था। और गाइस यहाँ और ज़्यादा विलन है, तो यहाँ पर और ज़्यादा विलन है जैसा कि मेरे भाई ने कहा, जिसका नाम है एस्प्रो गेमर, जिसे आपने देखा होगा रोब्लॉक के वीडियो में। मैंने यहाँ पर दो तीन बार तो कह ही दिया है उसका नाम। तो आपने अगर रोब्लॉक की वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग ने बहुत बढ़िया वाला गेम प्ले वीडियो मिस कर दिया है। मैंने उसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ अगर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को देखकर अपने आप को इन्जॉय कर सकते हैं, तो उस वीडियो को इन्जॉय कर सकते हैं। तो लेट्स गो एयर रसिंगन, जिसकी वजह से ओके डबल एयर रसिंगन मैंने यूज़ कर दिया है। तो और ओके तो लेट्स गो, मैंने यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर मैंने यहाँ पर हैट्रिक कर लिया है अपने रसिंगन में। तो मैं इस एपिसोड के नाम रखने वाला हूँ द टेल ऑफ नारुतो उज़ुमाकी, जिसे हमारे पॉविसेज ए के ए जिराया सेंसेई ने कहा था। उनके मौत से कुछ मिनट पहले उन्होंने कहा था कि
अगर उन्होंने कोई नारुतो के ऊपर नॉवल लिखा था उसका नाम वो रखेंगे द टेल ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। और हम यहाँ पर नारुतो ही बन के खेल रहे हैं तो मैं अपना एपिसोड का नाम रखने वाला हूँ द टेल ऑफ नारुतो उज़ुमाकी बिगिंस। तो आपके कैसे लगा मेरे को हमें जरूर बता देना। मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ पर आप लोग उस टाइटल को थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं, थंबनेल या फिर टाइटल के ऊपर देख ही सकते हैं। और आपको ये कैसे लगा आप मेरे को हमें जरूर बता देना। तो आई गेस कि अब हमारा बैटल होगा हमारे प्यारी फ्रेश के साथ। जैसे कि आप मेरे भाई को सुन सकते हैं, उसने बहुत ही सही तरीके से, क्योंकि इसे कौन नहीं जानता बेटे, इसको तो एनिमे सीरीज में हर कोई जानता है और हर कोई इसे पसंद नहीं करता है, कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। ओके ओके, तो ये इसे भले ही कोई पसंद नहीं करता हो पर इसका पावर भी थोड़ा पावरफुल है। ये सिर्फ गेम में, एनिमे में नहीं, सिर्फ गेम में। मुझे यहाँ पर इस गेम को खेलने अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है इसलिए ये पावरफुल लग रहे हैं मेरे को, नहीं तो ये एक क्रैश करा था कुछ भी नहीं है। मेरा भाई भी यही कहता है और ये भी यही समझता है कि आप लोग साकुरा उल्फ AKA क्रैश को कैसे क्या समझते हो आप मेरे को मुझे जरूर बता देना। तो आपको ये कैसी लगती है आप मेरे को मुझे जरूर बता देना। तो लेट्स गो, ये मेरे को बहुत ज़्यादा मार रही है तो लेट्स सी कि ये मेरे को अब हरा सकते हैं कि नहीं। ओके, तो मेरा एचपी यहाँ पर पड़ चुका है पर ये मेरे को नहीं हरा सकती, ये बहुत वीक है मेरे सामने। अगर मैंने यहाँ पर 3-4 बार रसिंगन यूज़ कर दिया ना तो ये ख़त्म है गाइस। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इसे ईजी छोड़ रहा हूँ पर मुझे लगता है मैं इसे उंगली दे रहा हूँ और ये चाहती है कि ये मेरा हाथ खा जाए तो ये मैं होने नहीं दूंगा। ओके, तो मैं अब आ चुका अपने रियल फॉर्म। ओके, तो इसने सब्स्टिट्यूट यूज़ किया तो मुझे आप कम से कम जरूर बता देना कि मैं कौन से बटन यूज़ कर से कौन कॉम्बिनेशन यूज़ करके बटन कॉम्बिनेशन यूज़ करके मैं सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकता हूँ, आप मेरे को वो कम से कम जरूर बताना। ओके, तो इसने मिस कर दिया। ओके, तो रसिंगन मिस कर दिया। अगर ये रसिंगन टारगेट में हिट हो जाता ना तो ये ख़त्म था। ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ 1-2 बार ही मिस होगा नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगी। ओके ओके, ये मेरे ही पीछे आ रही है तो आ जाओ इसे तो मैं यहाँ पर रसिंगन से ख़त्म करूँगा। ओके, और किसी मूव से नहीं, रसिंगन से ख़त्म करूँगा मैं इसको। और ओके, तो ये जाइंट स्पिन यूज़ नहीं करना था मेरे को, यहाँ पर रसिंगन यूज़ करना था। रसिंगन प्लीज़ जल्दी से हो जा, कॉम्बिनेशन मिल जा बेटे, नहीं यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत होता है। ओके, लेट्स गो एयर रसिंगन। ओके, इसने टॉस कर दिया, उसे कैंसिल कर दिया। ओके, यहाँ पर अगेन रसिंग। ओके ओके, यहाँ पर एयर में नहीं मारना है इसको, इसको ज़मीन में ही रसिंगन का मूव यूज़ करके मारना है। ओके, चेयर बूम। ओके, तो इसने बहुत पावरफुल और टाइप अटैक यूज़ किया पर ये एक आई थिंक टाइप जिसो टाइप मूव है। तो आई होप आपके गेम प्ले वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है गाइस। तो इसको इसका एच पी खत्म हो चुका है। ओके प्लीज़, ओके, तो मैं यहाँ पर इसे गन की मदद से नहीं हरा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस आपसे, पर मैंने इसे हरा दिया है। तो गाइस आई होप कि आपके गेम प्ले वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपकी गेम प्ले वीडियो देखने में मज़ा आया तो इस वीडियो को कर देना एक लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब जैसा कि मैंने भाई ने कहा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।